हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के। दोस्तों, ये सभी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और इतना पढ़ लेते हो तो आप इजीली पास हो सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूनिट वाइज बात करने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप वीडियो में आए हो तो वीडियो पूरा देखोगे तब समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों हार्ड नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज़ होती है, तो आप रेगुलर इसे प्रैक्टिस करें और पढ़ते रहें। तो दोस्तों, यूनिट वन में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करता हूँ। तो दोस्तों, आपको इसमें बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव में आपको क्या क्या पढ़ना है उसका मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको इसमें एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो दोस्तों, ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए। दूसरा दोस्तों, एरोमोसिटिक कैरेक्टर एंड हक्कर रूल। दोस्तों, ये 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो दोस्तों, मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी लिख कर बताया हूँ, तो ये सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रिएक्शन बेंजीन से आप लोगों को हैलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन, ये 5 मार्क्स के लिए है, आपको इसे करना, और ये पूछा ही जाता है दोस्तों। और फ्रीडिक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड एसाइलेशन रिएक्शन में एक तो रिएक्शन पूछा ही जाएगा विथ लिमिटेशन, तो ये 5 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका वेटेज अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में आपका। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 5 मार्क्स के लिए बनता है, तो आप इसे देख सकते हो 5 मार्क्स के लिए। और 2 मार्क्स में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, ऑर्बिटल पिक्चर, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT, सैक्रीन और क्लोरामाइन। तो ये दोस्तों 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ यूनिट 2 में कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिट 2 में आप फिनॉल चैप्टर से, मतलब फिनॉल यूनिट से, आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये बहुत बार पूछा जाता है, और क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल, ये दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, तो आप ये दोनों को 5 मार्क्स के लिए करो। एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, या एरोमेटिक एमाइन से बेसिसिटी ऑफ एमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेसिसिटी। अगर बेसिसिटी वाला पूछा गया तो एसिडिटी वाला नहीं पूछा जाएगा, अगर एसिडिटी वाला पूछा गया तो बेसिसिटी वाला नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। सिंथेसिस यूजेस ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स, तो ये भी आप 5 मार्क्स के लिए कर सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के। 2 मार्क्स में दोस्तों आप ये देखना कि 2 मार्क्स में आप स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनॉल, नेप्थलीन, रेंसिनॉल, ये सब देख लेना दोस्तों। तो ये हुआ यूनिट 2 की बात। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की। 3 फैट एंड वाइल चैप्टर में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, तो आप इसमें दोस्तों केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड वाइल्स, इसको आप जरूर पढ़ना है, जिसमें आपको सॉफ्टनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, ये सब के बारे में बताना, विथ रिएक्शन बताना दोस्तों, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एनालिटिकल कांस्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के। इसमें RM वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉलिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। इसको सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन देयर डिटरमिनेशन, इसके साथ पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करूँ तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में आपको सिंथेसिस एंड रिएक्शन पढ़ना है, तो आप इसमें नेप्थलीन, फिनेप्थ्रीन एंड एंथ्रासीन, ये तीनों की आपको सिंथेसिस पढ़ने, वो भी हवर्ड सिंथेसिस पढ़ने हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, और ये गारंटी के साथ आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 10 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं। जब 10 मार्क्स में पूछेंगे तो 2 सिंथेसिस दे दिया जाएगा, 5 मार्क्स में पूछेंगे तो एक, और उसके यूजेस और आपको स्ट्रक्चर बनाने, मेडिसिनल यूजेस बताने होंगे। यूनिट 5 की बात करूँ तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हो साइक्लो एल्केन्स चैप्टर में से आपको मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स आना चाहिए। एक बेयर स्टेन थ्योरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये एग्जाम में आता ही आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी देख लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है, और इसके लिमिटेशन के साथ पूछा जाता है, और ये 5 मार्क्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
या 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है। जिसकी यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स में आता है तो उसके लिए 7 मार्क्स में पूछा जाएगा, जो यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सैचे मोहर्स थ्योरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसके दूसरा नाम से भी पूछा जा सकता है, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग इस नाम से भी पूछा जा सकता है। पॉइंट की बात, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें दोस्तों, आपको रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन करना है ओनली, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का और कौन सा हमें पढ़ना है सबसे पहले। तो दोस्तों ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको यह वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन के आंसर ना मिल रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उन क्वेश्चन की लेक्चर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। और इस पर दोस्तों मैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो भी डालने वाला हूँ अपने चैनल पे, और लेक्चर वीडियो भी डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको दोस्तों नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।